हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर टू सिविल सर्विस। मैं हूं आपका होस्ट मनोज भारती। देखिए, 5 सितंबर को ईपीएफओ का एग्जाम शेड्यूल है और ईपीएफओ के एग्जाम में जैसे कि आपको पता है कि लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड टोटल 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्विक रिविजन ऑफ ऑल द लेबर लॉस जो कि इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। और यदि आप LSW एज ए ऑप्शनल CDPO या BPSC मेंस में दे रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसमें सिलेबस कवर किया जाएगा दो पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का। सेकेंड पार्ट में हम सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कितने प्रोविजन ऐसे हैं जो कि लेबर के प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेगा। ओके, तो पहला है आर्टिकल 19(1)(c), ये जरूर याद रखिएगा, टू फॉर्म द एसोसिएशन एंड यूनियंस। किससे रिलेटेड है? आपके ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन का जो फॉर्मेशन है वो आपके आर्टिकल 19(1)(c) में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 23 की हम बात करें तो फोर्स लेबर को प्रोविड करने की बात कही गई है। प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर मतलब बिगाड़ी, ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसमें कि मिनिमम वेज की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब फोर्स लेबर को डिनाई करता है, तो आर्टिकल 23 है। 24 की बात करें, 24 में दिया गया है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, मतलब चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए आर्टिकल 24 है कि फैक्ट्री में चाइल्ड नहीं काम करेगा, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ओके, जब आर्टिकल 41 रिलेटेड टू राइट टू वर्क है एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस, मतलब जैसे कि पब्लिक असिस्टेंट की बात किया जाए, और 42 आपका डेडिकेटेड है मेटर्निटी रिलीफ से रिलेटेड। ठीक है, मेटर्निटी रिलीफ एक्ट 1961। आर्टिकल 43 में लिविंग वेज के बारे में दिया गया, और 43A जो 1976 में ऐड किया गया, तो उसमें है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1976 में ऐड किया गया 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखते हैं फैक्ट्री एक्ट आया था कब? 1948 में। ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है, 1948 में आया था, और पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, ये भी याद रखिए, एक दो बार पूछा है ये, 1881 में आया था पहला फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? प्रोटेक्टिंग द वर्कर इंप्लाइड इन फैक्ट्री। तो अभी क्या फैक्ट्री एक्ट है, तो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उसको किसके अगेंस्ट? इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अगेंस्ट, मतलब इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये दो पॉइंट याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशनल हैजार्ड के अगेंस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके कुछ डेफिनेशन देखते हैं। एडल्ट का डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट की हम बात करें तो उसमें दिया है कि 18 साल से ऊपर को एडल्ट बोला जाता है, जबकि 15 साल से आपका 18 साल के बीच में एज है तो उसको एडोलेसेंट बोला जाता है, और बिलो 15 ईयर्स को चाइल्ड बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाकी सभी जगह आप देखते होंगे कि 14 साल से नीचे बच्चे को चाइल्ड में काउंट किया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ फैक्ट्री एक्ट हम देख रहे हैं तो बिलो 15 ईयर्स विल बी कॉल्ड एज ए चाइल्ड। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा फैक्ट्री एक्ट में, यही बाकी सभी एक्ट में आप जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, 14 साल ही लिखा है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि चाइल्ड का डेफिनेशन में बिलो 15 ईयर्स विल बी कंसिडर्ड एज ए चाइल्ड। ओके, यंग पर्सन की बात करें तो चाइल्ड या एडोलेसेंट को यंग पर्सन बोला जाता है, मतलब बिलो 18 को यंग पर्सन के कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, वीक जो आपका स्टार्ट होगा वो सैटरडे नाइट से होगा। ठीक है, मिड ऑफ सैटरडे नाइट से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीक का जो पहला डे होता है वो संडे शुरू होता है। ठीक है, मंडे शुरू नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से ये आपका संडे से शुरू होगा। कैलेंडर बात करें तो कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से शुरू होता है, और फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल शुरू होता है, तो इस दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हैजार्डस प्रोसेस को फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया। देखिए, कोई भी एक्ट होता है ना, एक्ट जब खत्म होगा तो बहुत सारे शेड्यूल होंगे, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, इसी तरह सभी एक्ट में कुछ ना कुछ शेड्यूल रहता है, सूची रहता है, तो हैजार्डस प्रोसेस को रखा गया है शेड्यूल 1 में। ठीक है, शेड्यूल 1 में बहुत सारा प्रोसेस लिखा होगा कि ठीक है केमिकल फैक्ट्री में ये काम होता है सपोज डैट, या ये हैजार्डस प्रोडक्ट है, तो उसको शेड्यूल 1 में रखा गया। ठीक है, फैक्ट्री का अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। फैक्ट्री का दो डेफिनेशन, एक तो है कि ट्रेन वर्कर विथ वर्किंग विद द पावर, जब 10 कोई भी वर्कर होगा वर्किंग विद द पावर इन एनी डे इन द 12 मंथ, 12 महीनों में किसी एक पर्टिकुलर डे में, ऐसा नहीं कि 12 महीने, किसी एक पर्टिकुलर डे में यदि 10 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहा है तो फैक्ट्री में काउंट होगा। यदि विदाउट पावर हो रहा है 20% विदाउट पावर देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फैक्ट्री बट नॉट इंक्लूडेड। सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री लाइक माइंस, ठीक है, मोबाइल यूनिट ऑफ द आर्म फोर्सेस, रेलवे रनिंग सेट, होटल, रेस्टोरेंट एंड ईटिंग प्लेसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फैक्ट्री। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या होगा
सडनली आपको ये ऑप्शन भी दे दिया जाएगा, तो ये इसको छोड़ के क्या क्या है, माइंस, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस, रेलवे रनिंग साइट, होटल, रेस्टोरेंट एंड ईटिंग प्लेस विल नॉट कंसीडर्ड एज ए फैक्ट्री। क्यों नहीं किया जाता है, बिकॉज क्या है, देखिए माइंस के लिए क्या है ना, माइंस एक्ट अलग से है, तो इसीलिए आर्म फोर्सेज के लिए अलग से है, होटल रेस्टोरेंट के लिए अलग से बहुत सारा प्रोविजन दिया, इसलिए इसको फैक्ट्री एक्ट में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि 10 वर्कर, यदि 10 वर्कर पावर पावर के साथ काम कर रहा हो, मैकेनिकल पावर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है, यदि 10 वर्कर काम कर रहा है तो फैक्ट्री होगा वो। 20 वर्कर विदाउट पावर काम कर रहा है एनी डे, 12 महीने के किसी एक दिन में भी ऐसा हुआ ना, तो वो फैक्ट्री में काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है पावर। देखिए जितना भी एक्ट है ना, देखिए सबको पता है कि लेबर से रिलेटेड प्रोविजन आपका कंकरेंट लिस्ट, स्टेट भी और सेंटर भी, तो अधिकांशतर लॉ में क्या होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही होता है, कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से एक्ट में ये सब चेंजेज कर सकते हैं या इंप्लीमेंट करने के लिए ये सब चेंजेज कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा इस एक्ट को, तो 4 मिनिमम स्टाफ होने चाहिए। क्या क्या, इंस्पेक्टर होना चाहिए जिसको इंस्पेक्टिंग स्टाफ बोलते हैं, सर्टिफाइड सर्जन होना चाहिए, मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वेलफेयर अफसर होना चाहिए और सेफ्टी अफसर होना चाहिए, ये 4। वो नहीं होता है, लेबर अफसर नहीं होता है, लेबर ऑफिसर नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन में आपको डाल देगा लेबर अफसर, तो ये ध्यान दीजिए इसको एलिमिनेट कीजिएगा। तो इंस्पेक्टिंग स्टाफ, सर्जन, वेलफेयर अफसर एंड सेफ्टी अफसर। अब देखिए 1000 वर्कर होगा, मिनिमम 1000 वर्कर होगा, तभी आप सेफ्टी अफसर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। कम होगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी कब है, जब 1000 ज्यादा वर्कर हो किसी फैक्ट्री में, तभी आप सेफ्टी वर्कर को 100% उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। वेलफेयर अफसर की बात करें तो 500 वर्कर है यदि, तो वेलफेयर अफसर को अपॉइंट करना जरूरी है, और यदि 250 वर्कर है तो क्या होगा कि गर्मी के दिनों में देखिए पानी की व्यवस्था तो करना ही है फैक्ट्री को, लेकिन गर्मी के दिनों में उसको कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करना पड़ेगा यदि 250 वर्कर से ज्यादा है। जब 30 वुमेन वर्कर हो, यदि कोई फैक्ट्री में यदि 30 वुमेन वर्कर काम कर रही है, तो फ्रिज की फैसिलिटी देना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं बात मिनिमम स्पेस का, यदि फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको मिनिमम स्पेस कितना मिलना चाहिए, 14.2 क्यूबिक मीटर के फैक्ट्री में कितने देर तक काम कर सकते हैं। जनरली क्या है 48 आवर, 8 घंटे का शिफ्ट होता है, लेकिन इसको 9 घंटे तक के लिए बढ़ाया जा सकता है इन एनी डे, बट 48 घंटे, वीक में 48 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते, और मोर देन 5 आवर काम नहीं करा सकते इन वन गो, 30 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा आधे घंटे के बाद, तो ये एडल्ट वर्कर के लिए। ठीक है, जब हम चाइल्ड की बात करेंगे, चाइल्ड का बात करेंगे तो क्या है कि 4.5, मतलब 4.5 घंटे से अधिक चाइल्ड को आप काम ही नहीं करा सकते इन एनी डे। ठीक है, और ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम तो चाइल्ड से कराएंगे नहीं, कराएंगे एडल्ट वर्कर से, तो ओवर टाइम यदि होगा तो 10.5 घंटे तक का ओवर टाइम करा सकते हैं, 9 घंटे तक मैक्सिमम था, 8 घंटे जनरल होता है, 9 घंटे तक मैक्सिमम एक डे में करा सकते हैं, ओवर टाइम करेंगे तो 10.5 घंटे हो सकता है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 12 आवर्स विथ कंकरेंस ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर को रिटेन में दे दीजिए, फिर वो 12 घंटे तक का शिफ्ट हो सकता है आपका। ठीक है, अब क्या होता है कि हर एक फैक्ट्री में एक वीकली हॉलीडे होता है, कि आप 7 दिन यदि काम कर रहे हैं तो सप्ताह का एक दिन आपको हॉलीडे मिलना चाहिए, यदि किसी को नहीं मिला तो मैक्सिमम 10 डेज में मिलना ही चाहिए। तो कोई भी एडल्ट वर्कर है वो 10 डेज तक का काम करेगा तो उसको एक हॉलीडे मिनिमम मिलना चाहिए, 10 दिन पार हो गया तो उससे पहले उसको हॉलीडे देना है, 7 दिन पे देता है जनरली, लेकिन 10 डे मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, देखिए लीव विदाउट वेज में तो हो गया कि आप काम नहीं करने गए तो आपका वेतन कट गया, लेकिन लीव विथ वेज इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि मिनिमम आपको 240 दिन यदि आप किसी फैक्ट्री में काम कर लिए हो, ठीक है, तो पर 20 वर्किंग डेज यदि आप 20 दिन पे एक दिन आपका एक एनुअल लीव बनता जाएगा। ठीक है, कि 20 दिन कंसिडर, देखिए वीकली हॉलीडे मिलेगा आपको, लेकिन वीक का हॉलीडे मिलता गया, लेकिन जैसे ही 20 दिन आप एक काम कर ले तो आपका एक हॉलीडे आ जाएगा, एक हॉलीडे एकुमुलेट होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 20 दिन में यदि सपोज डेट 200 दिन आप काम किए हो तो 10 दिन का आप एनुअल लीव ले सकते हो। ठीक है, हर एक 20 दिन पे एक छुट्टी मिलता जाएगा आपको विथ पेड लीव। ठीक है, और चिल्ड्रेन के लिए 15 डेज किया गया है। ठीक है, तो एनुअल लीव जो विथ वेजेज वाला है वो मैक्सिमम 3 टाइम मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं Schedule 1 and Schedule 3 की। Schedule 1 में क्या है, हजार्डवस प्रोसेस, कितने कौन कौन से हजार्डवस प्रोसेस है उसका लिस्ट दिया हुआ है, और 3 में दिया हुआ है आपका नोटिफाइबल डिजीज। ठीक है, डिजीज के बारे में दिया हुआ है, और फैक्ट्री एक्ट का काम ही है कि आपको ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल हजार्ड से बचाना। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट यहीं खत्म होता है। हाँ,
जो चीज़ फैक्ट्री एक्ट में छूट गया है, मैं जो दूसरा वीडियो लाऊंगा सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें बाकी चीज़ को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट 1948, 1948 में भी एक मिनिमम वेज एक्ट आया था। मिनिमम वेज एक्ट का क्या पर्पस है कि मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके काम कर रहे हो, वहाँ तो फिक्स है आपका वेतन, इतना वेतन मिलेगा। आप जब ज्वाइन करोगे उससे पहले पता चल जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सपोज डैट जैसे कोई लेबर है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, वहाँ पे तो लेबर के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है मिनिमम वेज। तो ऐसे लेबर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट मिनिमम वेज एक्ट लेके आई थी, तो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो गवर्नमेंट एक मिनिमम बेंचमार्क डाल दिया है कि इतना मिनिमम वेज देना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस मिनिमम वेज को रिवाइज कितने साल में करती है, मिनिमम मैक्सिमम 5 साल में करना है उसको। देखिए, हर एक साल जैसे गवर्नमेंट 6-6 महीना पे करते ही रहती है, लेकिन मैक्सिमम 5 साल पे इसको रिवाइज करना ही करना है, ये एक्ट के अंदर दिया गया है। तो जब वेज की परिभाषा हम देखते हैं तो क्या है, ऑल रिम्यूनरेशन इन टर्म ऑफ मनी, देखिए जितना भी पैसा आपको मिल रहा है इंक्लूडिंग एच आर ए, जितना आपको पेमेंट मिल रहा है उसमें एच आर ए को इंक्लूड किया जाएगा, उसको वेज बोलते हैं। और क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यदि आपको वहाँ फैक्ट्री या जहाँ आप काम कर रहे हो एकोमोडेशन दिया गया है, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल फैसिलिटी दिया गया है, तो उतने के मनी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई घर दिया गया है आप कंपनी की तरफ से, उस घर का सपोज डैट रेंट 10,000 हो सकता है, लेकिन वो ऐड नहीं किया। लेकिन आप जब आउटसाइड रह रहे हो और आपको एच आर ए दिया जा रहा है, तो वो आपके वेज में काउंट हो। ये मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से वेज का डेफिनेशन है। लेकिन जब हम पेमेंट वेज का बात करेंगे या और दूसरे एक्ट में करेंगे वेज की बात, तो वहाँ चेंजेज हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेज पीरियड क्या हो सकता है, आवर्स बेस पे हो सकता है, डे बेस पे हो सकता है, मंथ बेस पे हो सकता है, और नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट यदि 2 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का वेज पीरियड फिक्स कर सकती है, तो ये भी कर सकती है। लेकिन जनरली ये रहता है, कोई भी एक्ट में ये ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यदि ये ऑप्शन में आ रहा है तो उसको आप हमेशा वैलिडिटी मान के चलिए ऑलमोस्ट, ठीक है। जब वेज इसमें 2 शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर 188 एक्टिविटीज दिया हुआ है, ठीक है, और शेड्यूल 2 जो है आपका स्पेशली डेडिकेटेड फॉर एग्रीकल्चर है। तो पार्ट 1 में आपको 188 एम्प्लॉयमेंट दिया गया है कि ये एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम वेज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ एग्रीकल्चर दिया हुआ है, ठीक है। जब भी ये रिवीजन होता है, फर्स्ट टाइम चाहे फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करना हो या रिवाइज करना हो मिनिमम वेज, तो 2 तरीके से होता है। एक तो है कमिटी मेथड, ठीक है, सेकेंड है नोटिफिकेशन मेथड। तो ये 2 मेथड आप ध्यान दीजिएगा। और कितना मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स काम करना चाहिए जिसपे गवर्नमेंट आपका वेज फिक्स करेगी, तो मिनिमम 1000। जैसे सपोज डैट एग्रीकल्चर है या कोई स्पेसिफिक सपोज डैट काम आ गया जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, लेकिन उसमें वर्कर अक्रॉस द नेशन आपका 1000 से कम है, तो उस पर गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकते। जैसे ही 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो गवर्नमेंट उसका मिनिमम वेज फिक्स कर सकती है, ठीक। मिनिमम वेज जो इंप्लीमेंट किया गया वो रेगे कमेटी के रिकमेंडेशन, जिसको कि लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, टू एड्रेस द लो वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो रेगे कमेटी याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है DV रेगे, ठीक है। एनी अनऑथराइज डिटेक्शन, देखिए पेमेंट में से बहुत सारा डिटेक्शन होता है, ठीक है। अनऑथराइज डिटेक्शन, देखिए ऑथराइज डिटेक्शन क्या हो गया, जैसे आप लोन ले लिए तो आपका ऑथराइज डिटेक्शन पेमेंट से होगा। अनऑथराइज डिटेक्शन क्या है कि किस तरह का आप हार्म पहुंचा दिए हैं फैक्ट्री को, कोई तोड़फोड़ कर दिए हैं, तो आप पे पेनल्टी लग गया है। कितना भी पेमेंट पेनल्टी हो, आपके वेज का 50% से ज़्यादा आपका अनऑथराइज डिटेक्शन नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। यदि आप कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं तो 75% तक हो जा सकता है, तो ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अनऑथराइज डिटेक्शन रिस्ट्रिक्टेड अप टू 50% इन द नॉर्मल केस एंड 75% इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो ये था मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, ठीक है। काम करना है 8 घंटे काम कर रहे हो आप या पर्टिकुलर आवर्स बेस पे काम कर रहे हो, तो उसका मिनिमम वेज कितना होना चाहिए। इसमें 188 एम्प्लॉयमेंट ऐसा दिया जो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए शेड्यूल 2 लिया गया। ये तो हो गया मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए। अब आते हैं कि वेज कितने दिन पे मिलना चाहिए। या सपोज डेट मंथ आपका खत्म हो गया, मंथली पेमेंट किस तारीख को मिलना चाहिए, कि 1 तारीख को मिलेगा कि 2 तारीख को मिलेगा, कब मिलेगा, और अनऑथराइज डिटेक्शन नहीं कटे, उसके लिए आया था आपका पेमेंट ऑफ वेज 1936 टू प्रोवाइड द वेज ऑन टाइम, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, और इलिमिनेट द अनऑथराइज डिटेक्शन, इसके लिए आया था पेमेंट ऑफ वेज 1936।
और इसमें क्या कहा गया है, देखिए नो वेज पीरियड टू बी एक्सीड मोर देन वन मंथ, एक महीना से ज्यादा वेज पीरियड का एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम आप देखिए डे बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं, वीक बेसिस पे कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, मैक्सिमम मंथली से आगे बढ़ ही नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल आप काम करो हम सालाना एक ही बार पेमेंट देना, ऐसा नहीं होता, मंथली तक ही होगा ठीक है। और टाइम ऑफ पेमेंट देखिए, मंथ में आप खत्म हो गया वेज पीरियड, अब क्या हो सकता है कंपनी को दो चार दिन टाइम लग जाए, तो मैक्सिमम दिया गया है 7 डेज, 7 डेज ऑन द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड पेमेंट आपको मिलना चाहिए, जहां पर 1000 से कम वर्कर काम कर रहे हैं। 1000 से कम वर्कर काम कर रहा है, आराम से मैनेजमेंट उसका हो सकता है, तो 7वें दिन तक पेमेंट देना ही पड़ेगा। जहां पे 1000 से कम वर्कर काम कर रहा हो, या डॉकयार्ड हो, जेटी हो, या माइंस से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वहां आपको 7th डे तक पेमेंट मिलना चाहिए। और अदर केसेस में जहां 1000 ज्यादा वर्कर है और अदर एक्टिविटीज है, वहां मैक्सिमम 10 तारीख तक पेमेंट मिलना ही चाहिए, यदि आपका वेज पीरियड 30 तारीख को खत्म हो रहा है ठीक है। इन केस ऑफ टर्मिनेशन, यदि आप कोई नौकरी से निकाल दिया गया, तो 2nd वर्किंग डे फ्रॉम डे ऑफ टर्मिनेशन आपको जितने भी आपके ड्यूज हैं वो आपको मिल जाना चाहिए। तो जनरली होता नहीं, लेकिन ये लॉ में लिखा हुआ ठीक है। वेज टू बी पेड इन द करेंट क्वाइंस एंड करेंसी नोट्स, ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, 500 का नोट बंद हो गया, 1000 का नोट बंद गया, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर कहेगा कि नहीं मैं इसी में दूंगा या क्वाइन में दूंगा, या तुम काम कर रहे हो 5 किलो 10 किलो चावल ले लो, आप साबुन फैक्ट्री में काम कर रहे हो, मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूं, आप ऐसा करो 100 साबुन ही ले जाओ, ऐसा नहीं, क्वाइन और करेंसी में ही वेज देना पड़ेगा। और चेक और बैंक अकाउंट में दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न परमिशन फ्रॉम वर्कर, वर्कर यदि माने तो हाँ ठीक है कैश नहीं दो, लेकिन आप चेक और बैंक में मुझे डायरेक्ट दे दो ठीक है। यदि कोई फाइन इम्पोज किया जाता है तो वो मैक्सिमम हो सकता है आपका 3% ऑफ द वेज पेएबल ठीक है, और नो फाइन फॉर द चिल्ड्रेन, मतलब कि बिलो 15 इयर्स का वर्कर है तो उस पर कोई फाइन इम्पोज किया ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ 3% है, देखिए फाइन जो इम्पोज कर रहा है वो 3% ऑफ द वेज पेएबल है, लेकिन अनऑथराइज डिडक्शन आपका 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है ठीक है। अब आ जाते हैं इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ठीक है। देखिए इस नाम से स्पष्ट है इम्प्लाइज के लिए है, स्टेट के द्वारा इंश्योरेंस दिया जा रहा है। इंश्योरेंस कब दिया जाता है, आपको कोई कंटीजेंसी हो जाए, आप सिक हो गए ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से कोई इंजरी हो गया, हाथ पर टूट गया हो ठीक है, तो इस केस में आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, आपको मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा, आपको कैश बेनिफिट दिया जाएगा, आपको और आपके डिपेंडेंट को ठीक है। तो इसके लिए दिया गया, तो इस एक्ट को बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन ठीक है। और ये कब प्रोवाइड किया जाएगा, इन केस ऑफ कंटीजेंसी ठीक है, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक है। अभी तो खैर अनऑर्गेनाइज के लिए भी एक्ट आ गया है आपका 2008 वाला जो है, अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, हम वो सोशल सिक्योरिटी वाला जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। स्टेट इंश्योरेंस में ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पहला, और ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। कवरेज किसको मिलता है, देखिए एज प्रेजेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 21,000 पर मंथ, जिसका पेमेंट 21,000 से कम है नॉर्मल आदमी के लिए, और डिफरेंटली एबल जो कोई वर्कर है उसके लिए 25,000। यदि 21,000 से आपका पेमेंट कम है तो आप इस एक्ट के अंदर कवरेज आपको मिलेगा, तो डिसेबिलिटी वाला कोई है तो उसको 25,000 से कम पेमेंट है तो इस एक्ट के अंदर आपको कवरेज मिलेगा। और किसी का एवरेज वेज 135 रुपीज़ पर डे है, सॉरी 137 रुपीज़ पर डे है, तो उसको इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि मिनिमम वेज का जो हम देखते हैं तो 300 रुपये 400 रुपये रहता है, तो 137 रुपये पर डे किसको क्यों मिलेगा। होता क्या है, यदि फैक्ट्री में आप पीस पे काम कर रहे हैं या आप 2 ही घंटा काम कर रहे हो ठीक है, तो 2 घंटा काम कर रहे हो तो आपका पर डे का वेज क्या होगा, कम होगा। तो उस टाइम में आपको यदि पर डे 137 रुपये से कम मिल रहा है तो आपको इस एक्ट में कवरेज मिलेगा, लेकिन आपको कुछ पे नहीं करना है, जो कंट्रीब्यूशन है वो पे नहीं करना है ठीक है। इस एक्ट में कुछ डेफिनेशन है, जैसे डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, देखिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं डिपेंडेंट, आपकी वाइफ होगी, आपका सन यदि 25 वर्ष से नीचे है तभी तक, 25 से ऊपर हो गए तो आपका डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा, और अनमैरिड डॉटर इंक्लूडिंग एडॉप्टेड में सन एंड डॉटर बोथ ठीक है, एडॉप्टेड भी है तो भी चलेगा, लेकिन 25 साल से नीचे सन के लिए और अनमैरिड डॉटर के लिए। डिपेंडेंट का फिर बहुत सारा कैटेगरी है, उतना डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगा ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम, यदि इस स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक कॉरपोरेशन बनाया गया जिसका नाम है इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन में एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, अदर मेंबर्स होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि 3 MP हैं ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 लोकसभा से हैं और 1 राज्यसभा से है ठीक है। तो
ऑप्शन में क्या दे देगा, बाकी दे देगा और ये भी दे देगा, तो ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन कितना है, 4%, पहले 6% था, अभी घटा के 4% कर दिया गया है इंश्योरेंस लेने के लिए। और 4% में वर्कर का वेज जितना होता है उसका 3.25% एम्प्लॉयर देगा, और वर्कर को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 0.75 ओनली, ठीक है। और इसमें बेनिफिट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, इसके बहुत सारे हॉस्पिटल है अक्रॉस द नेशन, उसमें जाके आप मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं। सिक बेनिफिट मिलेगा, यदि आप सिक हो गए तो 91 डेज तक के लिए आपको पेमेंट मिलेगा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द 2 ईयर इन द केस ऑफ सीवियरिटी, ठीक है। मेटर्निटी बेनिफिट भी मिलता है लेडीज के लिए, और डिसेबलमेंट यदि आपका कोई ऐसा इंजरी हो गया और पार्शियल चाहे परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया तो भी इस एक्ट के तहत आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन की बात करें तो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, वो देखिए 48 था, ये 52 में है। ये क्या करता है, मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वर्कर को, लाइक ए प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, ये तीन तरह का फंड डील करता है। इस एक्ट के अंदर तीन स्कीम है, देखिए एक्ट तो 52 में आ गया, लेकिन इसके स्कीम्स देखिए कितने बाद में आए हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम उसी साल आ गया 52 में ही, लेकिन पेंशन आया आपका 1995 में, और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम आया 1976 में। तो इसका क्रम याद रखिएगा, देखिए मैच करने के लिए बोल सकता है या असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए बोल सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट तीन स्कीम है। अप्लीकेबल कहाँ पे है, जहाँ 20 से अधिक पर्सन काम कर रहे हो, ठीक है। और कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे 50 आदमी काम कर रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में विदाउट पावर, वहाँ ये अप्लीकेबल नहीं होगा। 51 आदमी हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा विद एड पावर होगा, तो भी वहाँ अप्लीकेबल हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ता है, 12% ऑफ 15,000, देखिए सीलिंग लगा हुआ है 15,000 का, 15,000 का 12% हो गया 1,250 रुपये, 1,250 रुपये कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा, और सेम वर्कर के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा। यदि आपका पेमेंट मान लीजिए 50,000 है, तो 12% ऑफ 15,000 ही आपके कंट्रीब्यूशन पीएफ फंड में जाएगा, ठीक है। और इस पीएफ फंड को फिर दो भाग में बांट दिया गया, 12% में से आपका 3.67 जाता है पेंशन में, और 8.33 आपका पीएफ फंड में जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम 10 साल का आपका कंट्रीब्यूटरी सर्विस होना चाहिए टू गेट द पेंशन, ठीक है, 10 साल पेंशन लेने के लिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द इंश्योरेंस फंड, देखिए इंश्योरेंस फंड जो था डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, उसमें नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वर्कर, वर्कर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन इंप्लायर को देना पड़ता है 1% ऑफ द टोटल वेज, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो फर्स्ट साल में यदि आपका कुछ ऐसा होता है तो 1,00,000 तक का, और कंसेक्यूटिव ईयर्स की बात करें तो 2.5 लाख से 6 लाख तक का आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं इम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। देखिए ये आईलो के गठन के बाद का ना सबसे वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट है 1923, उसी के बाद बहुत सारा एक्ट आया, लेकिन ये एक पहला एक्ट है। ये क्या करता है, वर्कर और डिपेंडेंट को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिजीज, और ये कंपनसेशन दिया जाएगा इंप्लॉयर के द्वारा। देखिए पहले इसका ना वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 नाम था, बाद में इसको रिप्लेस करके इम्प्लाइज कर दिया जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रमोट करने के लिए। और ये कब हुआ है, 2009 में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि कब इसका नाम रिप्लेस करके वर्कमैन को रिप्लेस करके इम्प्लाइज कर दिया गया 2009 में, ठीक है। पर्सनल इंजरी की बात करें, पर्सनल इंजरी नर्व शॉक मेंटल स्ट्रेन एंड ब्रेक डाउन को भी काउंट किया जाता है, तो पर्सनल इंजरी में क्या क्या आता है ये कभी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इंजरी हो गया तो पे करेगा ही, तो कब नहीं पे करेगा उसकी बात करें, तो इंजरी यदि हो गया और उनको कोई डिसेबलमेंट नहीं हुआ पीरियड एक्सीडिंग फॉर द 3 डेज, ठीक, या ड्रग्स है वर्कर, तो भी इंप्लॉयर पे नहीं करेगा, और सेफ्टी गार्ड या सेफ्टी डिवाइस दिया गया है और वर्कर वो यूज नहीं कर रहा है तो भी इंप्लॉयर नहीं पे करेगा, तीन कंडीशन है ये ध्यान दीजिएगा। और जब हो जाता है इंजरी तो कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, इनकेस ऑफ डेथ 1.2 लाख, ठीक है। यदि डेथ हो गया तो 1.2 लाख मिलेगा, और यदि इंजरी है तो 1.4 लाख मिलेगा, ठीक है। और यदि फ्यूनरल की बात करें, यदि मर गया और फ्यूनरल के लिए असिस्टेंट जो दिया जाता है वो 5,000 रुपये का दिया जाता है। इन केस ऑफ जितना मिलना चाहिए कंपनसेशन उतना नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट में 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, इस एक्ट में लिखा हुआ, ठीक है। और कोई भी इस एक्ट के प्रोविजन के साथ कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो 5,000 तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये एक्ट आप अच्छे से देखिए, देखिए फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट,
पीएफ फंड और मेटर्निटी बेनिफिट, इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मेटर्निटी बेनिफिट दिया कहाँ है, आर्टिकल 42 में दिया गया है, ठीक है। और मेटर्निटी बेनिफिट में दिया जाता है फुल पेड लीव, फुल पेड लीव दिया जाएगा टू टेक केयर हर चाइल्ड, पेड लीव मिलता है कितने दिन का, 26 वीक का, पहले 12 वीक का था, अभी रिसेंटली चेंज करके 2017 में 26 वीक कर दिया है। कहाँ अप्लीकेबल होगा ये, जहाँ पे 10% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, 10% से ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट है, 10% है, 10 वुमेन नहीं है, 10% है, 10%, 10 वर्कर नॉट वुमेन, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें कोई वेज लिमिट नहीं है, आप चाहे 20,000 रुपये कमा रहे हो या 5 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हो, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है, नो वेज लिमिट, ओके। इफ वर्क फॉर एटलीस्ट 80 डेज इन 12 मंथ, 12 महीना में, पास्ट 12 महीना में यदि आप 80 दिन काम किए हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यू आर एलिजिबल फॉर मेटर्निटी बेनिफिट, ओके। ये 2017 में ये याद रखिएगा, 2017 में इसको 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक कर दिया गया। 26 वीक मिलता है किसके लिए, फर्स्ट टू चाइल्ड के लिए, फर्स्ट टू चाइल्ड के लिए 26 वीक मिलेगा, जिसमें कि 8 वीक बिफोर डिलीवरी से पहले 8 वीक मिल सकता है, और यदि डिलीवरी हो गया उसके बाद भी 26 वीक का तो आपको मिल जाएगा। 26 वीक के बाद भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो एडिशनली आपको लीव मिल जाएगा वर्क फ्रॉम होम के लिए, बशर्ते कि आपका एम्प्लॉयर कन्विंस होना चाहिए। 2 बच्चे से यदि ज़्यादा बच्चे हैं जिसके करने हैं, तो उसको 12 वीक का मिलेगा, ठीक है। 3rd, 4th, 5th जितना ही बच्चे करेंगे यदि कोई, तो उसको 12 वीक का मिलेगा, 6 वीक पहले और 6 वीक बाद में, ठीक है। और यदि कोई एडॉप्टेड चाइल्ड है, उसको भी 12 वीक का मेटर्निटी बेनिफिट दिया जाता है, बशर्ते कि आपका जो चाइल्ड जो आप एडॉप्ट करने जा रहे हैं उसका एज 3 मंथ से कम हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या क्या हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि 26 वीक सभी लेडीज को मिलेगा फर्स्ट टू चाइल्ड के लिए, 8 वीक बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे करने हैं तो 12 वीक का मिलेगा, और एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए भी 12 वीक का मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ मिसकैरेज यदि किसी का हो गया या प्री मेच्योर बर्थ हो गया, ठीक है, तो 6 वीक का लीव मिलता है, 26 वीक का बच्चे के लिए मिलेगा, यदि मिसकैरेज हो गया तो 6 वीक का मिलता है, और यदि मिसकैरेज के कारण कोई इलनेस हो गया, कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो 1 मंथ का एडिशनल लीव। देखिए यहाँ 6 वीक है लेकिन यहाँ 1 मंथ एडिशनल लीव है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मेटर्निटी बेनिफिट में कैश बेनिफिट भी मिलता है, 3500 रुपये का इनिशिएटिव दिया जाएगा, कैश इनिशिएटिव, कैश बेनिफिट दिया जाएगा, और उसके साथ साथ मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत, ठीक है। और जहाँ 50 वर्कर है वहाँ क्रेच फैसिलिटी मेटर्निटी बेनिफिट में लिखा, देखिए। और चाइल्ड का डेफिनेशन यहाँ दिया जाए तो स्टिल बॉर्न चाइल्ड की बात करते हैं, ठीक है। चाइल्ड ऐसे देखिए 14 साल से नीचे 15 साल से नीचे को चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन जब आप मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट देखेंगे तो चाइल्ड का मतलब है स्टिल बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। उल्लंघन कर रहा है तो 3 महीने से लेके 1 साल तक का सजा मिल सकता है, और 2,000 से 5,000 रुपये तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। तो मेटर्निटी बेनिफिट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, यदि और इन्फॉर्मेशन कहीं से आप गैदर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, देखिए 23 में आया था आपका एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, उसके बाद ये आया था आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन क्या है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर बाय कलेक्टिव एक्शन। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये किस किस चीज़ के साथ डील करता है, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के साथ डील करता है, उस ट्रेड यूनियन का क्या राइट है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ साथ जो फंड होता है ट्रेड यूनियन के पास उसके मैनेजमेंट का भी बात दिया गया है ट्रेड यूनियन एक्ट में, ठीक है। और ट्रेड यूनियन को सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन भी दिया हुआ है सो डैट ये फ्री एंड फेयर फंक्शन अपना कर सके, नहीं तो क्या होगा, ट्रेड यूनियन कोई भी स्ट्राइक करेगा, कुछ भी करेगा, तो उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगा के एम्प्लॉयर उसको हैरेस कर सकता है, तो इसके लिए इसको यहाँ पे इम्यूनिटी दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड यूनियन की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेड यूनियन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन है, तो यहाँ देखते हैं INTUC, ठीक है। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट्स रिलेटेड, देखिए कांग्रेस तो ये है अपना कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है। BMS भारतीय मजदूर संघ लगा हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी से है। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रिलेटेड टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड UTUC,
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसकी बात करें तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पे इंडिया ऑफ होना चाहिए, ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो मार्क्स एंड लेनिन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखिए डिस्प्यूट का मतलब ये है कि डिसएग्रीमेंट, एनी डिसएग्रीमेंट इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इसमें ऑप्शन दे सकता है आपको, इसमें क्या हो सकता है कि इंप्लायर इंप्लायर के बीच में हो, यदि दो इंप्लायर है, एक इंप्लायर यहाँ का है, एक दूसरे कहीं और है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, इसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। इंप्लायर और वर्कर के बीच में यदि किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया तो भी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, और वर्कर वर्कर के बीच में है तो भी ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ये तीनों केस में ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, रिट्रेंचमेंट हो सकता है, डिसमिसल ऑफ वर्कर हो सकता है, तो ये सब चीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर ही आएगा। ये बहुत सारा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है तो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। मशीनरीज जो है ये कितने तरह का है वो हम देखते हैं। देखिए वर्क कमिटी है, वर्क कमिटी बनाना, कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करना, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन होना, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, लेबर ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सब क्या है, मशीनरीज है टू डील विद द डिस्प्यूट। ओके, फर्स्ट एक्ट जो इससे रिलेटेड आया था वो 1860 में आया था, उसका नाम था एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, 1960 में आया, फिर क्या हुआ 1929 में आया, और सबसे लास्ट वाला ये जो अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है 1947 में आया। तो ये तीनों आपको ध्यान देना चाहिए। पहला पूछ सकता है ये बाद में कब आया, बिफोर इंडिपेंडेंस कब आया, और ये तो इंडिपेंडेंस के टाइम में ही आया। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं। देखिए स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, सीजेशन ऑफ वर्क होता है, और स्ट्राइक को कहा जाता है वेपन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्राइक को बोला जाता है ए वेपन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। स्ट्राइक में क्या क्या हो सकता है, स्टे इन हो सकता है, सिट डाउन हो सकता है, पेन डाउन हो सकता है, टूल डाउन स्ट्राइक हो सकता है, तो इतने तरह के स्ट्राइक होते हैं। लॉकआउट का मतलब क्या हुआ कि टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ द प्लेसेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए सपोज डैट कि एम्प्लॉयमेंट पावर का कट हो गया, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, तो क्या करता है एम्प्लॉयर फैक्ट्री बंद कर देता है कुछ दिनों के लिए, तो उसको बोलते हैं लॉकआउट। ठीक है, और ले ऑफ क्या होता है, रिफ्यूजल एंड निबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू गिव द एम्प्लॉयमेंट। ले ऑफ है कि मना कर देना, काम से मना कर देना कि नहीं नहीं आपको मैं काम नहीं दे सकता हूँ। रिट्रेंचमेंट है कटौती, कि मान लीजिए फैक्ट्री में कोई स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, कोई मशीनरी ऐसा आ गया जिसके कारण से कुछ कटौती करना है, तो हालांकि इस एक्ट के अंदर सभी चीज़ का प्रोसीजर लिखा है, कोई मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, जब वर्क कमिटी फॉर्मेशन की बात आएगा तो कम से कम वहाँ पर 100 वर्कर होना चाहिए उस फैक्ट्री में, तभी वर्क कमिटी का गठन हो सकता है। ठीक है, लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उस जज का मिनिमम जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए, या 3 साल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एज ए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो तीन इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। सेकेंड शेड्यूल जो लेबर कोर्ट के जुडिक्शन से डील करता है, फर्स्ट सेकेंड है लेबर कोर्ट के जुडिक्शन से डील करता है, थर्ड आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जुडिक्शन से डील करता है, और फिफ्थ है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से। ठीक है, तो ये तीनों शेड्यूल आप ध्यान दीजिएगा। यूनियन के बिना पूछे हुए जब वर्कर स्ट्राइक कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ठीक है, जुडिशनल स्ट्राइक क्या है कि जुडिशनल ओवरलैप से रिलेटेड है, कि मतलब दो डिफरेंट यूनियन का एक ही काम के चलते, एक ही इंटरेस्ट के चलते दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाना और दोनों स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो उस टाइप के स्ट्राइक को जुडिशनल स्ट्राइक बोलते हैं। येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट, येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेगा कि आप किसी भी लेबर यूनियन के मेंबर नहीं बनेंगे लेकिन मेरे यहाँ काम कीजिए। अब देखते हैं आईएलओ से रिलेटेड प्रोविजंस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका कब बना था, 1919 में बना था। ठीक है, और उसमें अभी टोटल 187 मेंबर है, 187 मेंबर में 186 मेंबर आउट ऑफ 193 मेंबर ऑफ द यूएनओ। देखिए यूएनओ में 193 मेंबर है, उसके 186 मेंबर आपका आईएलओ के मेंबर है। ठीक है, तो सात यहाँ पर कौन नहीं है वो हम देखेंगे, और एक कौन ज्यादा है, तो एक जो ज्यादा है वो कुक आइलैंड है। कुक आइलैंड 186 प्लस 1 कुक आइलैंड, तो 187 हो गया, और सात जो मेंबर नहीं है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे भूटान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, ठीक है, मोनैको हो गया एंड नारू हो गया। ठीक है, और आईएलओ जो स्टेबलाइज किया गया वो 1999 में किया गया अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, और ये था एक एजेंसी था किसका, लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, आईएलओ के बारे में ये भी है कि फर्स्ट ऐसा स्पेशलाइज एजेंसी है यूएनओ का, फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी है यूएनओ का, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूके। ठीक है, और इसका काम क्या है, प्रमोट वुमन एंड लेबर राइट्स। ठीक है, प्रमोट वुमन एंड लेबर राइट्स।
और इसको 1969 में, देखिए गांधी जी का जब 100 साल हुआ था ना तब इसको मिला था नोबेल प्राइज, इसको आईएलओ को। आईएलओ में देखिए तीन बॉडी है, एक तो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस गवर्निंग बॉडी और इसके लेबर ऑफिस है। इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी, ये कानून बनाता है, मतलब कानून बेसिकली कन्वेंशन रिकमेंडेशन क्या ये बनाता है। गवर्निंग है एग्जीक्यूटिव बॉडी और ये है सेक्रेटेरिएट, लेबर ऑफिस है सेक्रेटेरिएट। लेजिस्लेटिव बॉडी ये साल में एक ही बार मिलता है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि अपने लेबर मिनिस्टर स्टेट लेबर मिनिस्टर और बहुत सारे मेंबर इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये देखिए तीन पार्टी है आईलो, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तीन पार्टी का, एक तो गवर्नमेंट हो गया, दूसरा एम्प्लॉयर हो गया और चौथा हो गया, सॉरी तीसरा हो गया वर्कर। तो थ्री पार्टी एजेंसी बोला जाता है आईलो को, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस जो आपका है हर एक साल होता है, मई और जून में कंडक्ट किया जाता है। गवर्निंग बॉडी का जो मीट होता है वो साल में तीन बार होता है, मार्च में होगा, जून में होगा और नवंबर में होगा। और ये तो सेक्रेटेरिएट तो परमानेंट लेबर ऑफिस ही है। देखिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें तो कंट्रीब्यूशन बाय द ऑल मेंबर्स है। ये बहुत सारा कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन देते हैं। तो कन्वेंशन क्या है, लीगली बाइंडिंग है, यदि रेक्टिफाई कर दिया, यदि कोई स्टेट कंट्री के कन्वेंशन को रेक्टिफाई कर दिया तो लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। और रिकमेंडेशन क्या होता है, नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस होता है जो कि आप अपने नेशनल पॉलिसी या एक्शन प्लान में डाल सकते हैं। तो कन्वेंशन हो गया लीगली बाइंडिंग, रिकमेंडेशन हो गया नॉन बाइंडिंग, ठीक है। अभी तक इंडिया टोटल 847 कन्वेंशन को रेटिफाई कर चुकी है और सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो है वॉस फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182। तो ये भी याद रखिएगा कौन सबसे लास्ट में हुआ और 47 अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। टोटल 8 कोर कन्वेंशन भी है, जितने सारे कन्वेंशन है टोटल अभी तक 190 कन्वेंशन है, 190 कन्वेंशन अभी तक आईलो रिलीज कर चुकी है, ठीक है। तो 190 कन्वेंशन में से 47 इंडिया कन्वेंशन रेटिफाई कर चुका है और ये 197 में से कुछ कन्वेंशन ऐसे हैं जिसको कोर कन्वेंशन कहा जाता है जो कि फंडामेंटल इन नेचर है और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। तो टोटल 8 हैं ऐसे जिसको कोर कन्वेंशन कहते हैं और उस कोर कन्वेंशन में टोटल 6 कन्वेंशन ऐसे हैं जिसको कि इंडिया रेटिफाई कर चुका है। अब दो ऐसे कन्वेंशन जिसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है 87 एंड 98, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया 87 से रिलेटेड एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग है 98। एक है 1948 का, एक है 1949 का। इसको भी पकड़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव में सही हो जाए, ठीक है। तो दो रेक्टिफाई नहीं किया है, 87 नंबर और 98 नंबर। 87 नंबर 1948 का कन्वेंशन है जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है और 98 नंबर जो 1949 से रिलेटेड है, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड। 190 नंबर कन्वेंशन जो लेटेस्ट वाला है वो है रिलेटेड आपका वायलेंस एंड हरासमेंट से रिलेटेड। और 189 जो है, मतलब सेकेंड लास्ट, वो है आपका डोमेस्टिक वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट कर। तो ये दो कन्वेंशन आप ध्यान दीजिएगा। अभी एक देखिए चेंजेज हुआ कि 35 ईयर्स के गैप पर इंडिया को चेयरमैनशिप मिला है आईलो के गवर्निंग बॉडी का। तो अपूर्व चंद्रा जो अपने लेबर सेक्रेटरी थे वो बने थे चेयरपर्सन, कब से कब, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक। और ये कब हुआ था, 35 ईयर के गैप पे हुआ था। तो ये ध्यान देने की बात। अब देखिए आईलो क्या है कि अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके पास फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, बहुत सारे ऑफिस है, उससे इफेक्टिव इफिशियंट एंड सस्टेनेबल सर्विस अपने मेंबर स्टेट को दे, उसके लिए बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाता है। तो 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये नंबर याद रखिएगा, ये क्या है ना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम आईलो के द्वारा रन किया जा रहा है जिससे कि लेबर चाइल्ड लेबर इराडक्शन है, हेल्थ सेफ्टी फॉर ऑल द है, जॉब फॉर पीस एंड रेजिलेंस, बेटर वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन टू ऑल। तो 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये पांचों हैं। उसके बाद क्या हुआ है, आईलो का रिसेंटली 100 साल हुआ है, 1919 में शुरू हुआ था और 2019 में इसके 100 साल हुए। तो सेंटेनरी इनिशिएटिव में वो 7 सेंटेनरी इनिशिएटिव लाए हैं। तो यहाँ 7 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम और 7 सेंटेनरी इनिशिएटिव है। तो सेंटेनरी इनिशिएटिव टुवर्ड द सोशल जस्टिस होगा, पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड है, फ्यूचर ऑफ वर्क, जेंडर इक्विटी, ग्रीन वर्क, डिसेंट वर्क, गवर्नेंस और इंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। अब देखते हैं लेबर कमीशन इंडिया की बात करते हैं। देखिए दो बार अभी तक लेबर कमीशन बना है इंडिया में। फर्स्ट लेबर कमीशन 1966 में बना था, 1966 में गजेंद्र गडकर के चेयरमैनशिप में, ठीक है। और उसका फोकस जो था ना लेबर मार्केट पे फोकस था एंड कंडीशन ऑफ लेबर पे था। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है।
लेबर मार्केट पे फोकस था और कंडीशन ऑफ लेबर के सुधारने से रिलेटेड था, ठीक है, और उसके साथ साथ पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में भी रिकमेंडेशन दिए थे। उसके बाद क्या, बहुत दिन के गैप के बाद सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन बना है, रविंद्र वर्मा कमेटी, जो कि 1999 में, ठीक है, ये 66 में, 66 में है, ये 99 में। और ये जो फोकस था, पहले वाला फोकस था लेबर मार्केट पे, इसका फोकस था प्रोडक्ट मार्केट पे। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी इन्हांसमेंट में, और उसको लेबर पॉलिसी में डालना है, कंपटीटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू मीट द ग्लोबलाइजेशन। देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आया था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए लेबर मार्केट का कैजुअलाइजेशन हो गया, बहुत सारा कैजुअल मार्केट स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट पे फोकस किया गया था और ये लेबर मार्केट पे फोकस किया था, ठीक है। उसके साथ साथ सेकेंड लेबर कमीशन को दिया गया था टास्क कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए और उससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन दीजिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन में आप देखेंगे कि नेशनल कमीशन ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 2004 में बना, और फिर 2008 में सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके अलावा बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया था। बहुत सारे लेबर लॉ है जो कि ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे से और उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो टोटल जो सेंट्रल लॉ थे, खास करके 44 सेंट्रल लॉ को बोला गया था कि आप 5 कोड में बनाइए। रिकमेंडेशन 5 कोड का दिया था, लेकिन गवर्नमेंट इसको 4 कोड में कन्वर्ट किए। तो ये भी ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या है वो, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेज, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कोड ऑन हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो ये थे कुछ लेबर लॉ से रिलेटेड प्रोविजन। इसका पार्ट टू जो है ना, पार्ट टू मैं जल्दी लेके आऊंगा बिफोर एग्जाम, ठीक है। पार्ट टू में क्या होगा आपका, एक तो होगा स्कीम्स, जितने भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम है वो होगा, और मिसलेनियस बहुत सारा, देखिए लेबर वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी है, तो वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो जो भी अब मिसलेनियस वाला चीज़ जो बच गया ना, उसको मैं एक साथ लेके आने की कोशिश करूंगा। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, काइंडली डाउनलोड इट, एंड 2 से 3 बार इसका, इस वीडियो को आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपका अधिकांशतः क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ एनी वे दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू आउट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।